नमस्कार, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज नॉलेज बिट्स में हम बात करेंगे चाइना ताइवान इशू की। ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी G20 समिट में चाइना ने अमेरिका को ये वार्निंग दी कि उसे रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसे अब चाइना के पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें समझना है कि ये रेड लाइन क्या है, ये पर्सनल अफेयर क्या है जिसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था, तो हमें समझना होगा चाइना ताइवान इशू। तो आइए बात करते हैं हम ताइवान की। ताइवान एक आइलैंड है जो कि चाइना से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। ये चाइना से अलग होता है ताइवान स्ट्रेट के द्वारा। स्ट्रेट वो जगह होती है, एक सी का पैसेज होता है, सी का पार्ट होता है जिससे दो सीज आपस में जुड़ते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी आपस में ताइवान स्ट्रेट के थ्रू जुड़ रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ताइवान की उस हिस्ट्री की जिसके कारण ये इशू जन्म लिया। ताइवान चाइना का पार्ट बना 17th सेंचुरी में, जब यहां पे किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। आप किंग डायनेस्टी को जानते होंगे। किंग डायनेस्टी का एक वॉर भी फेमस है जो यूरोपियन पावर्स के साथ हुआ, जिसे हम ओपियम वॉर्स कहते हैं। ये दो हुई थी, एक हुई थी 1839 में, दूसरी हुई थी 1856 में, जिसमें किंग डायनेस्टी बुरी तरीके से पराजित हुई, दोनों में पराजित हुई। इससे उसकी पावर्स काफी कम हो गई। बाद में जब साइनो जापानीज युद्ध हुए तो चाइना सीवियरली डिफीट हुआ, और जब ये डिफीट हुआ तो इसे अपना आईलैंड जापान को देना पड़ा। जापान यहां पे कई सालों तक रूल करता रहा, लेकिन जब जापान डिफीट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो 1945 में चाइना ने वापस ऑक्यूपाई कर लिया ताइवान। 1945 के बाद 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुए। उस सिविल वॉर का परिणाम ये रहा कि चाइना में दो फ्रैक्शंस थे एक्चुअली। एक था कम्युनिस्ट, दूसरा था नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट के लीडर माओ के बारे में आप जानते हैं। नेशनलिस्ट के लीडर को ताइवान जाना पड़ा भाग के, ही हैड टू फ्ले। और जब ये यहां पे गए ताइवान, यहां पे ये लगभग 20 साल रूल करेंगे, डिकेड्स, दो डिकेड लगभग रूल करेंगे। और कम्युनिस्ट 1949 में मॉडर्न स्टेट ऑफ चाइना एस्टेब्लिश करेंगे। ताइवान कहता है कि जब मॉडर्न स्टेट ऑफ चाइना बना तब ताइवान चाइना का पार्ट नहीं था, लेकिन चाइना उन हिस्टोरिकल टाइज के कारण कहता है कि ताइवान हमेशा से चाइना का ही पार्ट रहा है। ये इनसेपरेबल है, ये अलग नहीं हो सकता। चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ये मानता है कि केवल एक ही स्टेट है चाइना का और बहुत सारे स्टेट्स नहीं हो सकते। मींस चाइना को सिर्फ एक गवर्नमेंट रूल करेगी, एक गवर्नमेंट होगी जो रेगुलेट करेगी, बहुत सारी गवर्नमेंट्स नहीं हो सकती अलग अलग स्टेट्स में। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, सिंजियांग, इन प्रांतों को अपना मानता है, इन देशों को अपना मानता है। और अगर कोई कंट्री इनमें से किसी को रिकॉग्नाइज करती है एज अ सेपरेट स्टेट, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, तो चाइना यह मानता है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। रेड लाइन मतलब एक इमोशनल लाइन, रेड लाइन मतलब वो सोवरेन स्पेस किसी भी कंट्री का। अगर उसमें कोई इंटरफियर करता है, इंटरवीन करता है, तो चाइना या भी कोई कंट्री ये ऐसा मानती है कि उसकी सोवरेनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है और रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ये हुई रेड लाइन की बात, ये हुई चाइना ताइवान की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं अमेरिका का स्टैंड। अमेरिका के दो स्टैंड है एक्चुअली। अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक एम्बिग्युटी पॉलिसी, जिसके तहत अमेरिका उन नेशंस के साथ डील करता है जब उन्हें पता नहीं होता है कि नेशन को डिफेंड कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नेशन है यूक्रेन, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका को यूक्रेन को डिफेंड करना था, लेकिन अमेरिका ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था वो किस हद पे जाके यूक्रेन को डिफेंड करे। ऐसी हालत में अमेरिका आर्म्स सप्लाई करता है, उसके स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करता है, आपको आर्म्स देता है कि आप खुद अपना डिफेंड करिए। यही हुआ ताइवान के साथ। खुद अपना डिफेंस करने के लिए इसे अमेरिका ने
आर्म्स सप्लाई किए। अमेरिका आज ताइवान के साथ सबसे बड़ा डीलर है आर्म्स का, ताइवान के साथ, और स्पेयर पार्ट का भी। सो ताइवान को आर्म्स कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। और ऐसा करेगा तो ऑफकोर्स चाइना बिलीव करेगा कि उसके सोवरेनिटी पे खतरा है, राइट? उसकी दूसरी पॉलिसी है चाइना की, सॉरी अमेरिका की, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन आप देखिए, इसमें अमेरिका ने अलग अलग आइलैंड्स पे अपना मैरिटाइम बेस बनाया है, और इससे वो अपने दो बिगेस्ट राइवल्स को कंटेन करना चाहता है, वो है रसिया और चाइना। आप यहां पे देखिए, आपको फिलीपींस सी दिख रहा है, साउथ चाइना सी दिख रहा है, आपको सुलु सी दिख रहा है। इन जगहों पर आइलैंड्स अमेरिका के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसा काम करते हैं, और इनकी मदद से वो अपने एडवर्सरीज को कंटेन करने में कामयाब होता है। ऐसे ही पांच आइलैंड चेन है, जिनमें से तीन ऑपरेशनल है, दो अभी प्रपोज्ड है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं इंडिया की पॉलिसी की। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने स्टार्टिंग से वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया, लेकिन जब आईआर में कुछ भी फ्री नहीं होता, जब इंडिया चाइना को सपोर्ट करेगा तो वो ये उम्मीद करेगा कि चाइना इंडिया को सपोर्ट करे। हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करें तो चाइना वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करे, जिसके तहत हम ये मानते हैं कि पीओके भारत का इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन 1955 के बाद से इंडिया ने अपने अनऑफिशियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए ताइवान के साथ। अनऑफिशियल रिलेशंस मींस हमने वहां पे अपने ऑफिसर्स ओपन किए, एस्टेब्लिश किए, जो कि काम करते हैं डिफैक्टो एम्बेसीज की तरह। डिफैक्टो क्या होता है? डिफैक्टो मतलब होता है एनीथिंग विच एग्जिस्ट बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड लीगली और ऑफिशियली। मींस हमारे ऑफिसर्स वहां पर हैं, वो काम कर रहे हैं एम्बेसीज की तरह, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते ऑफिशियली कि हमारे एम्बेसीज हैं ताइवान में, या ताइवान की एम्बेसी है हमारे यहां। ठीक है, हमारी एक पॉलिसी थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हम लोगों ने इस पे काफी काम किया, जिससे फॉर्मेशन हुआ ITA का, जिसे हम कहते हैं इंडिया ताइवान एसोसिएशन। ऐसे ही फॉर्म हुआ TECC, इंडिया ताइपाई एसोसिएशन, और ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। स्टिल हम वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करते थे। 2008 तक, लेकिन इसके बाद से इंडिया ने कभी भी वन चाइना पॉलिसी का नाम नहीं लिया, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में इसे मेंशन नहीं किया, क्योंकि यही वो टाइम था जिस टाइम चाइना ने पहली बार स्टेपल्ड वीजा इशू किए फॉर दोज पीपल हु आर इनहेबिटिंग इन एरियाज ऑफ कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऐसा हुआ कि वो हमारे लिए रेड लाइन क्रॉस कर रहे थे इस बार। इसलिए अब इंडिया ऑफिशियली कभी भी मेंशन नहीं करेगा वन चाइना पॉलिसी। लेकिन एक बात अंडरस्टूड है, जब तक चाइना हमारी सोवरेनिटी का सम्मान करेगा, जब तक वो पीओके पे कोई हमला नहीं करेगा, पीओके को इंडिया का पार्ट मानता रहेगा, तब तक इंडिया वन चाइना पॉलिसी को अनऑफिशियली सपोर्ट करता रहेगा। ये है आईआर। थैंक यू।